स्वयं फतेहपुर के रोडवेज परिसर पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं पीछे जो बसों का जो काफिला लगा है आज वो बहुत कम है। नहीं, सामान्यतया ये जो बसें यहाँ पे होती थी ये पूरा परिसर भरा रहता था, लेकिन आज के समय में आज आप देख सकते हैं गिनती की कुछ बसें हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनावी ड्यूटी में जो है बसों को लगाया गया है और इससे कहीं ना कहीं यात्रियों को कुछ परेशानी हो रही है, लेकिन इन परेशानियों को दूर करने के लिए खुद आज जो है एम एल केसरवानी यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण भी कर रहे हैं और बसों को उनको किस तरीके से रवाना किया जाए कि कहीं किसी भी रूट पर ज़्यादा न जो है बसें जाने पाए और साथ ही साथ कोई भी यात्री अपने गंतव्य पर जाने से रुक ना पाए, इन सभी मुद्दों को लगातार ये देख रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। आज जो है कई बसें हैं जो भी पता चला है कि चुनावी ड्यूटी में, तो हम जानना चाहेंगे कितनी बसें हैं जो इस समय ड्यूटी पर लगी हुई। इस समय चुनावी ड्यूटी में हमारी 36 बसें गई हुई हैं, जिसमें 36,014 बसें वापस आ गई हैं। पुनः 21 फरवरी को 44 बसें जाएंगी चुनावी ड्यूटी में और 24 फरवरी को 36 पुनः जाएंगी। इस प्रकार की 80 बसें चुनाव में लगी हैं और हमारे फतेहपुर में 180 बसों का बीड़ा है, जिसमें 89 बसें परिवहन निगम की हैं और 23 बसें अनुबंधित है। इस प्रकार 112 बसें हैं। 112 में 21 तारीख तक 80 बसें चली जाएंगी, जिसमें 32 बसें बचेगी। अभी वर्तमान में हम लोग चुनाव ड्यूटी में जो बसें चली गई हैं उनके जाने के बाद जो बसें अवशेष हैं उनको हम लोग देवड़ा या दुमना चला रहे हैं। एक ये भी जानना चाहेंगे कि बसें तो लगातार बसें भी कम हैं, आप भी लगे हुए हैं, लेकिन अगर यात्री में कोई समस्या हो रही है तो उनको किस तरह मिसाइल किया जा रहा है या जो बसें हैं वो पर्याप्त हैं, किसी प्रकार की यात्रियों को दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं, जो बसें हमारी पहले प्रतिदिन 400 किलोमीटर चलती थी उनको हम या तो 600 किलोमीटर चला रहे हैं या 800 किलोमीटर चला रहे हैं, और जो फेरे पहले 2 फेरे थे उनको 4 कर दिया है, 4 की जगह 5 कर दिया है, और कंडीशनल जैसे स्थितियाँ होती बस अड्डे पर उन लोग तदनुसार मोड़ देते हैं और सभी बसों को 2 चालक 2 परिचालक चला करके 24 घंटे बसें चलाई जाती है। सही है, जो चालक परिचालक उनको भी दिक्कतें होती हैं क्योंकि ड्यूटी पीरियड जो होता है वो तो लगभग जितना रहता है उतना रहता है, तो क्या उनको अतिरिक्त भी दे होता है या उसी में सब काम चलता रहता है? नहीं, अतिरिक्त 90 किलोमीटर उसका एक सिस्टम दिया है, मुख्यालय लखनऊ से बना हुआ है, अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। और पहले एक बस पे एक चालक होता था परिचालक, लेकिन इस समय और उसको 2 होता था। सबसे ज्यादा व्यस्तम रूट अगर हम पटेल बात करें, सबसे व्यस्तम रूट कौन सा है? सबसे व्यस्तम रूट कानपुर का, जिसपे हमें सुबह 6 बजे से लेके और रात 8 बजे तक हर 10 या 15 मिनट में बसें देनी पड़ती है। उसके बाद उसी से मिलता जुलता प्रयागराज रूट है, उसके भी पैदल 15 या 20 मिनट में बसें देनी पड़ती है, कभी कभी एक साथ 2 बसें भी लगानी पड़ती है। इसके बाद हमारा बांदा रूट पड़ता है और लखनऊ पे भी बराबर हर 20 मिनट में बसें जा रही है। क्या दिल्ली के लिए भी यहाँ से कोई साधन है, अगर कोई राजधानी जाना चाहे? नहीं, दिल्ली हमारी 3 बसें चलती थी, लेकिन इस समय यहाँ की भीड़ को देखते हुए हम दिल्ली की बसों को कैंसिल कर रखा है और यहीं पे चला रहे हैं। जनरल की क्या स्थिति अपने यहाँ, कितनी रूट है और कहाँ कहाँ पर चल रहे हैं? करबी, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर की बस आती है, वहाँ प्रयागराज से दिल्ली भी जाती है, आगरा जा रही है, बेवर, इटावा। अगर आज की हम बात करें तो बसें कम हैं, यात्री संख्या उतनी नहीं है जितनी यात्री रहती है, ज़्यादा भी हो जाती है, ऐसे में आपके आने के बाद यहाँ पर क्या फर्क पड़ा? क्या अगर आप ना आते तो क्या ये बसें चलती ना, या रूट जो चल रहा था उसके ऊपर निर्भर पड़ता है? क्या होता अगर आप आज यहाँ नहीं चलना है? हमारे आने के बाद थोड़ा सा मामला अच्छा ही हो जाता है कि कभी कभी कोई चालक परिचालक कुछ नीचे वाले स्टाफ मान लीजिए नियंत्रण में नहीं है, हमारे जाने के बाद हम जिधर डाइवर्ट करना चाहते हैं उसको डाइवर्ट कर देते हैं। अगर बस कहीं कानपुर के लिए आई है, बांदा के यात्री है, मान लीजिए कानपुर पे 3 बसें खड़ी है, बांदा का यात्री तो बांदा डाइवर्ट कर देते हैं अथवा प्रयागराज डाइवर्ट कर देते हैं। इसलिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वेल मैनेज हो रही है। और पहले हमारा रुपया प्रतिदिन का मान लीजिए 15 लाख आता था, 14 लाख आता था, 36 बसें जाने के बाद भी हमारा प्रतिदिन 16 लाख रुपया आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत बधाई की बात है। इतनी कम बसें होने के बावजूद भी आप अगर इतना आय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी बहुत अच्छी चीज़ है। यानी कि सारा लोड अगर हम कहें तो वो आपके ऊपर भी रहता है और वो लोड कहीं ना कहीं जमीन पे दिखाई देता है, ताशा दिखता है, और क्यों माना जाता है कि रोड एक्सपर घाटे पर रहती है, लेकिन अगर आप फायदे भी ले जा रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है।
लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और हम चाहेंगे कि जो है इसी तरीके से हम लोग भी काम करें, क्योंकि एक बड़ी चीज़ होती है कि रोडवेज पर लगातार आरोप लगते रहे, और ऐसे कई सीटें भी निकली हैं जिनमें बताया गया है कि तमाम ऐसे डिपो हैं जो घाटे पर चल रहे हैं। खुद परिवहन मंत्री अशोक कटारिया कई बार मीटिंग ले चुके हैं, कई बार बीट पर चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी घाटे पर रोक नहीं लग पा रहे। लेकिन वहीं एक फतेहपुर डिपो एक ऐसा है जहाँ पर लगातार लाभ का सौदा हो रहा है, रोडवेज लाभ पर जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, और अन्य लोगों को भी इससे सीख लेनी चाहिए, जिससे प्रदेश में जो रोडवेज की स्थिति है, बदहाली है, वो सुधर सके, और सभी लोग एक बेहतर रोडवेज की जो परिकल्पना करते हैं उस पर भी इसका साफ असर देखा जा सके। तो कुल मिलाकर आज का जो पूरा एक कैलकुलेशन रहा वो ये रहा कि यात्रियों की भले ही आवागमन यहाँ पर ज़्यादा है, बसें कम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एम एल केसरवानी है ग्यारह में फतेहपुर प्रदेश में वह मैदान पर डटे हुए हैं, और इसका लाभ ये है कि सभी लोग अपने गंतव्य तक पहुँच रहे हैं, और सभी लोग इतने कम बसें होने के बावजूद भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। डेली इंसाइडर के लिए फतेहपुर से आशीष सिंह। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइट।